बात करते हैं कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी की, जिनका आज 45वां जन्मदिन है। उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्विटर पर बधाई दी। राहुल गांधी ने भी उनका शुक्रिया अदा किया, लेकिन आज ही बीजेपी सांसद अश्विनी चौबे ने राहुल गांधी और सोनिया गांधी को लेकर जो कुछ कहा है उससे किसी का भी सिर शर्म से झुक सकता है। एक तरफ राजधानी दिल्ली में राहुल गांधी के 45वें जन्मदिन का जश्न मन रहा था, दूसरी तरफ बिहार के नवादा में बीजेपी सांसद अश्विनी चौबे राहुल गांधी और उनकी मां सोनिया गांधी के खिलाफ जहर उगल रहे थे। ये जो तोता है ना, ये विदेशी तोता है, ये विदेशी गर्भ से पैदा हुआ तोता, और तोता की मां इटली की गुड़िया, जहर की पुड़िया, इस देश के अंदर जहर की पुड़िया मत घोलो। समाज में जहर अश्विनी चौबे घोल रहे हैं या फिर कोई और, इसका फैसला आप खुद करें। वैसे बीजेपी सांसद अश्विनी चौबे अगर पीएम से कुछ सीख लिए होते तो फिर वो इस तरह की भाषा का प्रयोग नहीं करते। राहुल गांधी को उनके जन्मदिन की बधाई देते हुए पीएम मोदी ने ट्वीट किया, कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी को जन्मदिन की शुभकामनाएं, उनके अच्छे स्वास्थ्य और लंबी उम्र के लिए भगवान से प्रार्थना करता हूं। जवाब में राहुल गांधी ने भी शिष्टाचार निभाते हुए पीएम का शुक्रिया अदा किया, शुभकामनाओं के लिए आपका धन्यवाद। देश के दो शीर्ष नेताओं का ये अंदाज लोकतंत्र की खूबसूरती है, लेकिन बीजेपी सांसद अश्विनी चौबे ने राहुल गांधी के जन्मदिन के मौके पर जो कुछ कहा उसके बाद सवाल उठ रहा है कि क्या बीजेपी उनके खिलाफ कोई कार्रवाई करेगी। ये जो तोता है ना, ये विदेशी तोता है, ये विदेशी गर्भ से पैदा हुआ तोता, और तोता की माँ इटली की गुड़िया, जहर की पुड़िया, इस देश के अंदर जहर की पुड़िया मत घोलो। सवाल ये है, बीजेपी सांसद अपने ही प्रधानमंत्री से सीख लेने को क्यों नहीं है तैयार?